सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मार्वल फेज 4 और मार्वल फेज 5 के बारे में। सो फेज 3 खत्म होने के बाद मार्वल फेज 4 के अंदर मार्वल बहुत सारी चीजें कर रही है। मार्वल के अंदर हमें मल्टीवर्सल सागा देखने को मिल रही है। इसके अलावा मार्वल के अंदर यंग एवेंजर्स डेवलप हो रही है, डार्क एवेंजर्स डेवलप हो रही है और भी काफी सारी चीजें मार्वल के अंदर चल रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं मार्वल के आने वाले सारे मूवीज को कुछ कैटेगरीज के अंदर डालने की कोशिश करूंगा, कुछ सागास के अंदर डालने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको भी मार्वल फेज 4 और फेज 5 के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और मार्वल के फेज 4 के पहले सागा के बारे में बात करते हैं। तो मार्वल का सबसे प्रोमिनेंट सागा अगर अभी कोई चल रहा है तो वो सागा मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्सल सागा होगा। और इस सागा के अंदर अब मूवीज लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लोकी डिज्नी प्लस शो, इसके अलावा एंटमैन 3 जैसी मूवीज को डाल सकते हो। और ये सारी मूवीज बेसिकली मल्टीवर्स से डील करने वाली है। इसके अलावा आगे फ्यूचर में भी शोज लाइक लोकी सीजन 2 भी इसी मल्टीवर्सल सागा के अंदर आएगा। और इस सागा के अंदर आगे जाते हुए और मूवीज और टीवी शोज भी ऐड होंगे, जैसे कि मूवीज लाइक एक्समैन, डेडपूल या फैंटास्टिक 4 वाली मूवीज भी मे भी कहीं ना कहीं मल्टीवर्स से कनेक्टेड हो। इसके अलावा मार्वल के अंदर एक नई एवेंजर्स की टीम भी बनने वाली है, जिसको आप एवेंजर्स सागा बोल सकते हो। एवेंजर्स एंड गेम के बाद एवेंजर्स की टीम थोड़ी कमजोर पड़ गई है और एक नई टीम का डेवलपमेंट मार्वल के अंदर हो रहा है। अब बेसिकली एक एवेंजर्स की टीम नहीं बल्कि मार्वल के अंदर हो सकता है मल्टीपल एवेंजर्स की टीम बन जाए। एक यंग एवेंजर्स की टीम, एक डार्क एवेंजर्स की टीम और एक मेन एवेंजर्स की टीम। बेसिकली शोज लाइक हॉकआई, फाल्कन द विंटर सोल्जर और मूवीज लाइक सैंची को अब इस सागा में इंक्लूड कर सकते हो, यानी कि एवेंजर्स सागा में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा फ्यूचर में आने वाले सी हल्क सीरीज को और मूवीज लाइक कैप्टन अमेरिका 4 को भी अब इस सागा में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये सारे लोग नए टीम्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं मार्वल के अंदर। मार्वल के अंदर मोस्ट वाली फेज 4 और फेज 5 के अंदर आप कम से कम 3 एवेंजर्स की टीम देखने को मिलने वाली है। एक यंग एवेंजर्स की, इसके अंदर आपको करेक्टर्स लाइक मिस मार्वल, केट बिशप, बिली और टॉमी ऐसे करेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक डार्क एवेंजर्स का फॉर्मेशन भी मार्वल के अंदर हो रहा है, जिसका फॉर्मेशन वैल कर रही है और इस टीम के अंदर आपको येलेना बेलोवा जैसे करेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये हुई दूसरी सागा। तो चलिए अब तीसरे सागा के बारे में बात करते हैं। मार्वल के अंदर, मार्वल के फेज 4 में मार्वल बेसिकली मार्वल के कॉस्मिक साइड को भी और एक्सप्लोर कर रहा है, जहां पर मूवीज लाइक थॉर 4, कैप्टन मार्वल 4 और इवन इटर्नल्स को भी आप कह सकते हो कि वो मार्वल के कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर कर रहा है। और फ्यूचर में इन शोज के अंदर आप सीक्रेट इन्वेजन जैसे शोज को भी डाल सकते हो, जो शोज बेसिकली स्क्रल्स से डील करने वाले हैं। और बेसिकली स्क्रल्स का रोल भी मार्वल के फेज 4 और फेज 5 में काफी बड़ा होने वाला है। और बेसिकली इस सागा के अंदर आपको नए करेक्टर्स लाइक नोवा और एडम वॉरलॉक देखने को मिलने वाले हैं। और बेसिकली एक नई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का फॉर्मेशन भी इस सागा के अंदर हो सकता है। सो अब टोटल हुए 3 सागास, मल्टीवर्सल सागा, एवेंजर्स सागा और कॉस्मिक सागा। इसके अलावा एक सुपर नेशनल सागा भी मार्वल डेवलप करने की कोशिश कर रही है, जो मून नाइट की सीरीज डिज्नी प्लस पे आने वाली है, उसको आप सुपर नेचुरल सागा बोल सकते हो। और बेसिकली मार्वल मून नाइट के बाद ब्लेड की मूवी निकालेगी। इसके अलावा वेयरवुल्फ बाय नाइट के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्ट्स मार्वल के द्वारा आने वाले हैं। तो मार्वल बेसिकली मिडनाइट सन्स का फॉर्मेशन भी काफी जल्दी करने वाली है मार्वल फेज 4 और मार्वल फेज 5 के अंदर। तो बेसिकली मार्वल फेज 4 की और फेज 5 की सारी मूवीज को आप इन 4-5 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो। पहली होगी मार्वल की मल्टीवर्सल सागा, दूसरी होगी एवेंजर्स सागा, तीसरी होगी कॉस्मिक सागा और चौथी होगी सुपरनेचुरल सागा। अगर आपको लगता है कि मार्वल के फेज 4 और फेज 5 में कोई और सागा चल रही है तो उसके बारे में मुझे आप कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी आप किस फ्यूचर मार्वल प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।